हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूमी और मेरे चैनल रूमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। मेरे पास कुछ पुराने साड़ी और ब्लाउज पीस पड़े हुए थे, तो उन्हीं चीजों को यूज करते हुए आज के DIY में बनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते। मेरे पास एक सिल्क के साड़ी थे और ये बिल्कुल खराब हो गए। इसके जो है चारों तरफ से ये फड़ने लगे हैं, जो बॉर्डर है आंचल में भी। तो मैं इसके जो बीच वाला पोर्शन है इसको यूज करते हुए कुशन बनाऊंगी। पहले मैं कुशन के नाप ले लूंगी और उसके बाद इसे कपड़े को कट कर लूंगी। मेरे जो कुशन है उसका साइज है 16x16 इंच। तो मैंने साड़ी का जो लंबाई में मैंने 39 इंच रख दिया है और चौड़ाई में मैंने 18 इंच रखा है। और साड़ी के एक साइड से मैंने जो वो बॉर्डर था खराब हो गया था उसको मैंने कट करके और इस साइड में मैंने ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। और बाकी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला बॉर्डर को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि नहीं तो छोटा पड़ जा रहा था थोड़ा साइज में। अब इसको सिर्फ फ्रंट साइड से ऐसे रखना है और ये बहुत ही इजी है कुशन बनाना। और इसको ऐसे अंदर के साइड में इसको रख देंगे ऐसे सिलाई वाला पोर्शन को, और इसके ऊपर से ये उल्टा ऐसे जो साड़ी का बॉर्डर है ऐसे करके हमें रखना है। और यहां से एक सिलाई लगाना है 1 इंच का छोड़ के, और यहां से एक सिलाई लगाना है 1 इंच छोड़ के, तो हमारा कुशन तैयार हो जाएगा। तो पहले ऐसे रख के हमें नाप ले लेना है एक बार कि ये बिल्कुल 16 इंच है कि नहीं। तो ऐसे एक बार नाप ले लूंगी और फिर इस साइड से एक सिलाई लगा लूंगी और इस साइड से एक सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए, इस साइड से मैंने एक सिलाई लगा दिया है और इस साइड से मैंने एक सिलाई लगा दिया है। तो ये मेरा कुशन कवर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसको अभी ऐसे हमें पलट लेना है। तो देखिए, ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। आप चाहे तो इसके अंदर में लाइनिंग लगा के भी सिल सकते हैं। तो सेकेंड DIY के लिए मैंने एक रेड कलर का ब्लाउज पीस ले लिया है और इसके ऊपर लव शेप ड्रॉ करके और इसको पहले कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर के जो ब्लाउज पीस है उसमें से 2 पीस ऐसे लव शेप again.
Thank you.
तो देखिए इस तरीके का मैंने डिजाइन बनाए हैं, तो ये भी कंप्लीट है। देखिए सबसे पहले जो कुशन बनाए मैंने इस तरीके से रखा है, और ये है मेरा सेकेंड DIY जिसे मैंने ऐसे सजाए है, और थर्ड नंबर DIY पे मैंने एक साड़ी से इतने सारे कुशन बनाए, तो देखिए कितना सुंदर दिख रहे हैं। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे जो मैंने कुशन बनाई लगाने के बाद देखिए ये भी कितना खूबसूरत दिख रहे हैं। तो ऐसे पड़े हुए जो अनयूज्ड ब्लाउज पीस है, और आपके पास अगर पुराने कोई अच्छे साड़ी हो जो आप सिल्क की साड़ी हो या कोई अच्छे साड़ी हो जो आप फेंकना नहीं चाहते हैं, तो उसी से ऐसे कुशन कवर बना के आप घर को न्यू लुक दे सकते हैं। आज के ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और मेरे वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन आते हैं उसे प्रेस कीजिएगा, तो मैं जो न्यू वीडियोज अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।